प्रणाम दोस्तों, आज मैं डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का अध्याय 6 का पार्ट 2 बोलने वाला हूँ। प्रिपेयरिंग फॉर ए गुड डेथ, एक अच्छी मृत्यु की तैयारी करना। संसार में ज्यादातर लोग समझते हैं अगर वो सोते हुए मरते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है। कितना भयानक तरीका है जाने का। तो जो लोग सोते हुए मरते हैं वो अपने मृत्यु को जान नहीं पाते हैं। तो सोते हुए मरना कितना भयानक तरीका है। वृद्धावस्था कैसे जिए, हाउ टू लिव वंस ओल्ड एज। इस संसार में जितने भी जीव हैं केवल मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी सबको करुणा में मरना आता है। जंगलों में बिना किसी जरूरत के किसी का शव गिरा हुआ मिलना कठिन होता है, क्योंकि मरते वक्त पशु आदि कोई एकांत जगह जाकर अपना प्राण त्याग देते हैं, जिसको करने में आज मनुष्य असक्षम है। वृद्धावस्था एक आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि हमारे पास तब पूरे जीवन का लंबी अनुभव पड़ा रहता है। तो संसार में जितने भी जीव हैं सभी को करुणा में मरना आता है। जब मरना होता है वो एकांत जगह पे चले जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे सूखते सूखते वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। और जंगल में कोई दूसरे को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि उसको मारने का मन हो रहा है। जब भूख लगता है तब शेर हिरन को मार सकता है, बिना भूख का कोई किसी को नहीं मारता है। और बूढ़े होते होते हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, उसके कारण वृद्धावस्था एक अपॉर्चुनिटी है। एक अनुभव से हमारे अंदर जीने की एक विजडम आता है हमारे अंदर। जब आप मृत्यु तक पहुंचते हैं ये एक अवसर बन सकता है, क्योंकि तब आपकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाता है और शरीर छोड़ने की तरफ बढ़ने लगता है। यही समय हमारे जीवन की अस्तित्व को जानने का अहम पल है। तो अभी जब जैसे हमारा शक्ति कम हो जा रहा है और शरीर से छूट रहा है, उसका लगाव बहुत कम हो जा रहा है, तो इसी समय हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन अपने शरीर से कहाँ बहुत कम लगा हुआ है, पकड़ कहाँ पे है। तो इसी पल को अगर हम यूज करें अच्छे से तो यह हमारे अस्तित्व, जीवन के अस्तित्व के बारे में बता सकता है। जब आप बचपन, किशोर और जवानी में होते हैं तो शरीर का तेज बहुत रसों में खो जाता है, पर जब बुढ़ापे में शरीर का तेज खत्म हो जाए, जीवन को उसी सड़ते हुए शरीर से जुड़ाव और पहचान कम हो जाता है। तो सदगुरु जी कह रहे हैं कि हमारे अंदर जब जवानी होता है तो शक्ति बहुत होता है, तो वो बहुत सारे रसों में, जैसे संभोग में या फिर खाने पीने या दूसरे चीज करने में वो खोया रहता है, पर बुढ़ापे में वो सब शिथिल हो जाते हैं, इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तो वो रस खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारा शरीर से जुड़ाव कम हो जाता है, इसमें हमारा शरीर से अलग होना हमको पता चल सकता है। अगर हम ध्यान दें, जब आप वृद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं आपके सारी इच्छा कम हो जाती हैं और आप बच्चे की तरह हो जाते हैं, और पूरे जीवन की अनुभव आपके पास रहता है। इस कारण ये आध्यात्म में बहुत फलदायक और अहम समय होता है। पर बुढ़ापे में लोग ज्यादातर तड़पते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में उत्साह भरने वाला काम ठीक से नहीं कर पाए, जीवन भर ऐसा काम नहीं कर पाए जो कि जीवन को एक उत्साह में भर दे। जैसे मेरे अंदर कोई ऐसा काम मैं करता हूँ जो मेरे अंदर उत्साह भर दे, ऐसा काम करना चाहिए, ना कि जो मुझे डिमोरलाइज कर दे। तो उत्साह में भरने वाला काम वही होता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। जिसमें इसमें सदगुरु जी उत्साह वाला काम के ऊपर ये बोल रहे हैं कि आप शरीर से ऊपर और मन से ऊपर ऐसा कुछ काम नहीं किए कि आप शरीर और मन से ऊपर जो है उसको जान सकें, क्योंकि वो केवल शरीर को ही मैं मानते हैं,
वो अपने आप को दूसरे शरीर से परे आयाम में स्थापित नहीं करते हैं और बुढ़ापे के शरीर में सड़ने के साथ डरने लगते हैं। तो बुढ़ापे में जब शरीर सड़ता है तब वो डरने लगते हैं, क्योंकि वो शरीर को ही मैं मानते हैं और शरीर धीरे धीरे सड़ने लग जाता है, खत्म होने लगता है। मृत्यु जब 1 या 2 हफ्ते बाद होना हो, खुद को सचेत होना एक आसान प्रक्रिया बन जाता है। तो जब मृत्यु 2 हफ्ते के बाद होना होगा, तो अगर हम सचेत होंगे तो उसको हम जान पाएंगे, और मृत्यु के लिए सचेत होना एक अच्छा प्रक्रिया है, क्योंकि शरीर से जो प्राण शक्ति है उसका जुड़ाव बहुत कम हो जाता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। सचेत होने का एक प्रक्रिया ये है कि आप क्या नहीं है इसे जान ले। अगर आप क्या है इसे जान नहीं पाते हैं, वृद्धावस्था में जब शरीर का तेज खत्म हो जाए पर आप अभी जिंदा हैं, आप अपने अंदर देख सकते हैं कि आप और शरीर के बीच में क्या असमानता है, क्या सामंजस्य है। कोई शरीर और जीवन आत्म के बीच में भेद जान ले तो वो आराम से मृत्यु में जा सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि अगर हम शरीर और क्या शरीर नहीं है, क्या मैं हूं और क्या शरीर है, इसका भेद हम जान लेते हैं। जैसे आप ये कर सकते हैं कि मैं क्या हूं, उसके ऊपर आप इंटरोगेट कर सकते हैं, अपने आप को पूछ सकते हैं मैं क्या हूं। तो जब आप पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि शरीर में नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर इकट्ठा किया हूं और मन भी मैं हूं नहीं, वो भी स्मृति के ऊपर आधारित है। स्मृति से मन बनता है, तो बिना स्मृति के नहीं बन सकता। तो ये जो स्मृति है ये पुराने हैं और कहीं से लिया हुआ है और वो अपना नहीं है, और इसलिए वो मैं भी नहीं है। जीवन के बाकी पहलुओं में भी सचेत होने के दूसरे तरीके हैं। जैसे आप भूखे हों और खाने को बैठे, 10 मिनट खाना को देखें और अपने अंदर भूख को देखें, दूसरे कर्म मत करें। तो इसमें आप जैसे आप ध्यान देंगे कि शरीर नहीं है आप, या फिर आप ये ध्यान देंगे कि आप क्या नहीं है उसको अलग रख दिए, फिर जो बाकी बचेगा वही आप होंगे। और ऐसे ही आप जानने के लिए कि आप शरीर नहीं है, आप खाना जब खा रहे हैं तो खाना आपके सामने है और आपको भूख लग रहा है, तो खाने को आप 10 मिनट बैठे रहें और देखते रहे खाने को, और जो भूख है उसी को देखें कि भूख किसको लग रहा है, शरीर को लग रहा है कि तुमको लग रहा है, किसको लग रहा है भूख। जब हम देखेंगे तब हम क्या है और क्या नहीं है उसके बारे में पता चलता है कि हम शरीर हैं या शरीर नहीं है। इससे आप और आपके शरीर के बीच का संबंध पता चल सकता है, और सारे धर्मों में इसलिए उपवास को महत्व दिया गया है। भूख हमें याद दिलाता है कि शरीर एक संचय मात्र है। तो भूख हमें याद दिलाता है कि जो भी हम जिसको शरीर बोलते हैं और मैं बोलते हैं, ये भूख की वजह से है। जब भूख लगता है तब हम खाते हैं, तो वही हमारे अंदर संचय होने लगता है। तो इसीलिए उपवास को महत्व दिया गया है सारे धर्मों में, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो या फिर इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो भी जाए। भारत में एक परंपरा है कि आप अपने परिवार संबंधियों के बीच में ना मरे, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इसलिए लोग जंगल में कुड़िया आश्रम या प्रकृति की गोद में संसार को छोड़ने की तैयारी और मिटने की तैयारी में चले जाते हैं। तो भारत में एक परंपरा है जिसको वानप्रस्थ आश्रम बोलते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि लोग अपने घर में संसार के बीच में मरना नहीं चाहते हैं, तो वो बाहर जाते हैं, जंगल में अकेले रहते हैं और अकेले मरने की कोशिश करते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र कुंती गांधारी संजय के साथ ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे और जंगल की आग में प्राण विसर्जन कर दिए। धृतराष्ट्र जो कि अंधा मोह में मूर्ख इंसान था, और कुंती जिनके पास युद्ध में
जीतने वाले 5 बेटे थे, दोनों ने संसार वासना छोड़ वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। इसी को संस्कार कहा जाता है, जो संस्कृति या धर्म की विशेषता है। तो धृतराष्ट्र एक थे जिन्होंने मोह माया में डूबे हुए थे, और कुंती एक थे वो भगवान की पूजा करते थे, और उनके 5 बेटे विजयी थे। चाहते तो वो राज माता का सुख ले सकते थे, पर उनका उम्र होते ही धृतराष्ट्र और कुंती दोनों वानप्रस्थ आश्रम की ओर चले गए, क्योंकि एक परंपरा होता है जिसमें संस्कृति होता है, संस्कार है हमारे, जिसमें उम्र हो जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम को जाना पड़ता है, क्योंकि लोग संसार के बीच में उसी माया मोह में उसी दुख सुख में मरना नहीं चाहते हैं। थोड़ा ये शरीर से अलग होकर, शरीर को संसार से अलग करके, उसी से थोड़ा दूर जाकर वो रहना चाहते हैं और मरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी आप जो जिएंगे मरने के समय भी वही याद करेंगे। अगर आप बुढ़ापे के समय भी संसार के अंदर रहते हैं तो मरने के समय भी आप उसी मोह माया में डूब के मरेंगे। वानप्रस्थ आश्रम का विशेषत्व, द विजडम ऑफ वानप्रस्थ आश्रम। धृतराष्ट्र और कुंती जैसे वानप्रस्थ के वो बहुत नुकीला है, पर साधारण आदमी इससे आसान वानप्रस्थ आश्रम में रहे, जो कि एक सुनियोजित व्यवस्था था। तो सदगुरु जी बोल रहे हैं कि पहले लोग वानप्रस्थ आश्रम में गए, जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी जैसा या कुंती जैसा नहीं था। वो लोग तो बहुत कठोर वानप्रस्थ आश्रम में गए थे और आग में अपना जीवन दे दिए, पर बाकी जो लोग जाते हैं उन लोगों के लिए ये था कि वो घर से दूर रहे। पुरातन भारत में जब पति पत्नी वानप्रस्थ जाते थे, वो एक साथ एकांत में जाकर मृत्यु तक बहुत साधारण जीवन जीने लगते थे। ये अच्छे मृत्यु के लिए जरूरी है। तो पति पत्नी जाते थे साधारण वानप्रस्थ में, वो एक जगह पे कुड़िया बना लेते थे और बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते थे। धन वगैरह या फिर पोता पोती या फिर खुद के बेटा बेटी उनके बीच में नहीं जीते थे, क्योंकि अब अगर बेटा बेटी के पास जीते हैं तो मरने के समय आपको उनको खोने का डर हमेशा रहेगा। इसलिए आप उनसे जैसे जैसे ज्यादा दूर जाएंगे तो आपका मृत्यु का तैयारी हो जाएगा। इसलिए सन्यासी लोग भी पहले ही संसार को छोड़ने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि आप एक पल में अगर छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो स्मृति होता है, मन से मन को कंट्रोल कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम एक तरह से बहुत जरूरी होता है। आज के आधुनिक जीवन में ये बुद्धिमत्ता का काम नहीं लगता, क्योंकि जब हम बचपन किशोर और जवानी में बड़े घरों में रहे, तो वृद्धावस्था में जब शरीर जर्जर हो, कोई क्यों अपने महल या घर छोड़ एकांत में रहेगा। पर इसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान या विशेषता छुपी हुई है। तो आप जीवन भर अपने महल में या घर में रहें, फिर जब शरीर जर्जर हो जाता है तब आप छोड़ देते हैं अपना सारा घर वगैरह। ये तो बहुत मूर्खता की बात लग सकता है सभी को, पर इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चीज छुपी हुई है। ये केवल उन लोगों की अच्छी मृत्यु के लिए आवश्यक है जो जीवन भर जीवन किसी तरह जीने पर भी मृत्यु के समय शांत और अच्छे मनोभाव से मरना चाहते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है ये वानप्रस्थ आश्रम, जो कि जीवन भर वो सत्य को नहीं ढूंढे और उसको अपने जीवन में नहीं जिए, तो जीवन भर वो किसी तरह जिए, धन कमाए, किसी भी तरह जिए, पर जब उनको मरना होता है तो अगर अच्छी तरह मरना होता है तो उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम जरूरी है। ये वानप्रस्थ परंपरा का शुरुआत वर्णाश्रम आश्रम से होता है। वर्णाश्रम में मनुष्य की प्रकृति के हिसाब से उसकी जरूरत, कर्म करने की क्षमता और संभावनाओं को ध्यान में रखकर समाज के कल्याण के लिए एक दिशा निर्देश बनाया गया है।
वर्णाश्रम परंपरा में क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है, उम्र की एक एक चरण के हिसाब से, जैसे जन्म होने से 12 साल तक और फिर 12 से 24 साल तक, इसी तरह एक एक चरण के हिसाब से जीवन को बांटा गया है। और उसमें एक प्रकृति देखा गया है कि ये प्रकृति रहता है लोगों का। तो सदगुरु जी बता रहे हैं कि उसी समय के चरण के हिसाब से इंसान का जो प्रकृति होता है और जीने का एक तरह का वे होता है, जो भी किस तरह जिए, कैसे जिए, उसको बताया गया है। ऐसे जीने से जीवन का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। अतः तो जीवन काल के विभिन्न भागों में कर्म करने की दिशा निर्देश दिया गया है ताकि जीवन आनंदमय हो सके। सारे चरण जरूरी नहीं, पर इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। तो सारे चरण करना जरूरी नहीं होता है, आप एक चरण करके दूसरे को छोड़ सकते हैं और तीसरे में जा सकते हैं। वो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप वो चरण करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे हमारे पास 5 चरण हैं, बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें आप गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ में जा सकते हैं या संन्यास में जा सकते हैं। तो यही है, आपके इच्छा के ऊपर है। तो ये जो हमारे चरण बांटा गया है, ये 12 12 साल करके बांटा गया है। पहले 0 से 12, जन्म से 12 तक, फिर 12 से 24 और 12 साल, फिर 24 से 48 और 12 साल, फिर 48 से 60 और 12 साल, फिर 60 के ऊपर जो भी है। तो ये 12 साल में इसलिए बांटा गया है क्योंकि 12 साल को सूर्य चक्र बोलते हैं, सोलर साइकिल। तो सूर्य का एक चक्र जो होता है वो 12 साल का होता है। तो बाल्यावस्था होता है 0 से 12 साल तक, जन्म से 12 साल तक। तो ये बाल अवस्था का लक्ष्य है शरीर और मन का पूर्ण विकास करना। तो इसमें हम ये करते हैं कि बच्चे का खाना पीना, खेलना कूदना और सोने के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं ताकि उसका मन और शरीर पूरा पूर्ण विकास हो सके। तो ज्यादा खेलेगा और सोएगा तो मन और शरीर उसका अच्छा रहेगा, और खाना पीना अच्छा रहेगा तो शरीर का विकास भी अच्छा होगा। फिर अगले 12 साल में जो होता है उसको हम ब्रह्मचार्य कहते हैं, सेलिब्रेट स्टूडेंट। तो इसका लक्ष्य होता है नॉलेज, ज्ञान। तो इसमें जो शिष्य होता है वो घर छोड़कर गुरु के पास रहता है, जीवन के आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान को समझता है। तो जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है और जो भी जीवन की व्यवहारिक या सामाजिक ज्ञान है उसको समझता है गुरु से। और शिष्य का कर्तव्य यह होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण भक्ति में रहना और जीवन की कलाओं को सीखना। तो वो गुरु की सेवा करता है ब्रह्मचर्य में और जीवन जीने की कलाओं को सीखता है और ज्ञान पाने में अपने आप को समर्पित कर देता है। गृहस्थ है 24 से 48 में, जिसमें इसका लक्ष्य होता है धन और संतान प्राप्ति करना। तो वो धन कमाता है और परिवार की देखभाल करता है। फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, जिसमें जीवन का लक्ष्य होता है प्रज्ञान या फिर उज्जतम। ये ज्ञान अब जैसे व्यवहारिक ज्ञान को समझते हैं उसके ऊपर था। तो इसमें अब जीवन से ऊपर, जो भी जीवन के बारे में, शरीर और मन से ऊपर जो भी ज्ञान होता है उसके बारे में आप जानते हैं, उसी को आप प्रज्ञान बोल सकते हैं या विजडम बोल सकते हैं। जीवन की कमाई और परिवार की कर्तव्य को आने वाले पीढ़ी को समर्पित कर संसार की कर्म कांड से दूर जाना। तो वानप्रस्थ में आप अपने जो भी परिवार होता है उसको आप अगले जेनरेशन या अगले पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी को समर्पित कर देते हैं और संसार से दूर चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। ज्यादातर समय आध्यात्मिक ज्ञान और प्रज्ञान प्राप्त करने में बिताना, तो ज्ञान प्रज्ञान में बिताना है। संसार की वासनाओं को, पक्षपात को छोड़कर अपना पूरा जीवन आध्यात्म यानी आत्मा के अध्ययन में बिताना। यह हो गया संन्यास का चरण, जो कि 60 साल के बाद होता है।
तो तब आप मुक्ति के बारे में हमेशा सोचते हैं, और मुक्ति के बारे में जो भी चिंतन मनन जो भी करना होता है करते हैं। यह हो गया हमारे 5 चरण। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह नहीं है कि आप परेशानियों से जूझने लगे, अपितु ये 4 दीवारों में रहने की संसार की सुविधा व्यवस्था को त्यागना है, क्योंकि 4 दीवारी में रहना अपने नश्वर होने को नकारना जैसा है, अमर हो जाने की छुपी इच्छा है। तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह नहीं है कि आप त्याग दे रहे हैं और मरने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप मरने की कोशिश इसमें नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं कि संसार की जो सुख सुविधा है उसको त्याग देते हैं, आप कोशिश नहीं करते हैं, मरने की तैयारी करते हैं। तो पहले आप घर छोड़ दिए, फिर अपने बेटे बेटियों को छोड़ दिए, फिर संसार का काम छोड़ देंगे और जो मृत्यु के परे जाने की तैयारी करने लगेंगे। क्योंकि अगर आप उसी समय भी घर के चारों दीवार में रहें तो आपके अंदर इसका मतलब ये है कि आप और जीना चाहते हैं और अपने आप को और सुरक्षा में रखना चाहते हैं, तो आप मृत्यु के लिए तैयार नहीं हैं। अतः वानप्रस्थ का मतलब वन की ओर प्रस्थान यानी वन या प्रकृति के साथ एक होकर जीने की अवस्था है। ये मृत्यु की असुरक्षा से खुद के शरीर को परिचित कराने और सचेत होने की एक पद्धति है। तो मृत्यु से ये शरीर को परिचित कराता है और जीवन को परिचित कराता है। लोगों को ये समझना आवश्यक है कि मनुष्य के बच्चों को परिपक्व और आत्मरक्षा के काबिल होने के लिए पशुओं से ज्यादा समय लगता है। एक हाथी का बच्चा जन्म के 3 दिनों में चलने लगता है, पर इंसान के बच्चे को 1 साल लगता है। इसीलिए हम सुरक्षा के लिए घर के 4 दीवार बनाते हैं, बुढ़ापे में अपने आप को उसी में दबाए रखने के लिए नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था जीवन जीने की तैयारी के लिए होता है और वृद्धावस्था जीवन के पार मृत्यु में जाने की तैयारी के लिए होता है। तो बाल्यावस्था में हमारे बच्चे क्योंकि कुछ नहीं जानते हैं, उनको कोई भी खा सकता है, मार सकता है, वो बाकी पशुओं की तरह नहीं है, गाय या बकरी की बच्चे की तरह नहीं है, जो 1-2 दिन में चलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और खुद जी सकते हैं, पर इंसान के बच्चा नहीं जी सकता है, तो उसको रक्षा की जरूरत होता है। इसलिए हम घर वगैरह में रहना शुरू करते हैं, पर हम बुढ़ापे में भी उसी में रहना चाहते हैं। तो हम अपने आप को भूल जाते हैं कि यह शरीर को जाना होगा, तो यही हमको बाद में दुख देता है। बचपन छोड़ जवानी में भी 4 दीवारे में रहने के बाद ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं ऐसा जी रहा हूँ तो मैं झूठ की जिंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि इस शरीर को एक दिन जाना ही है। इसीलिए बुढ़ापे में घर को त्यागना जरूरी हो जाता है। जो साधु संन्यासी होते हैं वो पेड़ के नीचे या केवल ऊपर का छत डालकर वहीं विश्राम करते हैं। तो साधु संन्यासी अगर ऐसे रहते हैं तो वो या तो पेड़ के नीचे सो जाते हैं या ऊपर बस ऊपर का छत डालकर, क्योंकि पानी वानी गिर सकता है, तो इसीलिए वो बस छत बनाकर दीवार भी नहीं बनाते हैं और उसी में रहते हैं। सदगुरु ऐसे कुछ पर्वतारोही को देखे हैं जिनके अंदर ऐसी शांति और स्थिरता थी जो काफी साधना के बाद हासिल होता है। मृत्यु की भाव को बार बार जीने के बाद उनमें नश्वरता का ज्ञान गहरा हो गया था, जीवन का अंतःकरण शांत और स्थिर हो गया था। तो सदगुरु बाहर के ऐसे कुछ पर्वतारोही देखे हैं जो कि पर्वत चढ़ते चढ़ते मृत्यु को वो बार बार पर्वत की ओर चढ़ते चढ़ते देखते देखते उनके अंदर एक स्थिरता आ गया है मृत्यु के प्रति, और मृत्यु उनको डराता नहीं है क्योंकि वो बार बार मृत्यु को देख लिए हैं, क्योंकि वो जीवन को बार बार बाजी लगाए हैं, इसलिए उनका अंतःकरण शांत और स्थिर हो गया है। कुछ पर्वतारोही ऐसे हैं क्योंकि वो मृत्यु को बार बार जिए हैं, तो ऐसा जो शांति वो बहुत साधना के बाद हासिल हो सकता है, ऐसा शांति उनको पर्वत पर मृत्यु को जीते हुए उनके अंदर आ गया है। लोग वानप्रस्थ आश्रम जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मरने के लिए खाई में जा रहे हैं, ये बस केवल मृत्यु के लिए
शरीर और मन को सचेत करने की एक प्रक्रिया है, ताकि अगर आप पहले से सचेत हों तो जब मृत्यु आएगी तब आप आराम से उसको मानकर खुशी खुशी जा सकते हैं। फिर जैसे आपके मन ये समझ जाएगा कि शरीर नश्वर है और कभी आप यह सबको छोड़कर जाएंगे, तो आप एक दूरी से सारी चीजों को करने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि ये पैसा, सम्मान और संबंध आदि केवल जीवन धारण के लिए क्षणिक संबंध है। तो ऐसा करने से जैसे जैसे आपके अंदर एक समझ आएगा कि शरीर तो नश्वर है और जो भी नौटंकी करता हूँ सब क्षणिक संबंध है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जीवन थोड़ा शांति पूर्ण हो जाएगा और आप थोड़ा थम सा जाएंगे। ईसा के आश्रम टेनेसी में वानप्रस्थ आश्रम में स्थित बूढ़े लोग भी योग और प्रकृति के साथ रहने के कारण ज्यादा फुर्तीले और स्वस्थ हो गए हैं। तो ईसा के आश्रम में ये हुआ है, लोग वानप्रस्थ आश्रम में रहे हैं तो उनका बुढ़ापा और कम हो गया है, वो और ज्यादा फुर्तीले और स्वस्थ हो गए हैं क्योंकि वो प्रकृति में रह रहे हैं और सत्य को जान रहे हैं, तो उनके अंदर एक अलग तरह का उत्साह आ रहा है। वानप्रस्थ आश्रम का और एक कारण घर में ना मरने की परंपरा है, क्योंकि अगर आप संबंधियों के बीच मरते हैं आप उन्हीं से जुड़कर उसी भाव के साथ जाएंगे जो कि मृत्यु में जाने का विरोधारूप है, क्योंकि मृत्यु सब छोड़ने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं। यह सदगुरु के हिसाब से मरने का सबसे घटिया तरीका है। तो जब मृत्यु सब कुछ छोड़ जाने के लिए है तो उस समय हमको ये करना चाहिए कि हम सबसे दूर रहें, क्योंकि वो छोड़ना ही है, पर हम उन्हीं के बीच में मरेंगे तो ये सबसे घटिया तरीका है मरने का। जब आप ऐसे मरते हैं तो आपके चारों ओर के व्यक्ति के साथ एक शारीरिक और मानसिक से परे एक संबंध बन जाता है, यही आपके आत्म को मुक्ति के लिए प्रेरित ना कर घरेलू संबंध में अपने को और बांध देता है, इसलिए घर में शरीर त्यागना नहीं चाहिए। परिवार से लोग केवल प्रेम और मोह से नहीं जुड़े हैं, परंतु वे विभिन्न कर्म और स्मृतियों से भी जुड़े हुए हैं जो मृत्यु के समय उनके साथ होने से आपको परेशानी दे सकता है, क्योंकि ये सब भी एक तरह से बंधन है। इसलिए लोग घर से दूर, समाज से दूर और संसार से दूर होकर जीते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वन में नहीं तो प्रकृति के बगीचे से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति की गोद में मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते तो आपको अपने करीबी संबंधी, दोस्त और इस जीवन को याद दिलाने वाले सारे संबंधों से दूर चला जाना चाहिए। अगर आप अच्छा तैयारी किए हैं तो आपके शरीर को मृत्यु के बाद किसी की सहायता ना हो, ऐसे सचेत होकर जाना सबसे बेहतर है। वानप्रस्थ आश्रम हमें कब लेना चाहिए? भारत में परंपरा से 48 साल की उम्र के बाद जब चार सूर्य चक्र खत्म हो जाता है तब वानप्रस्थ आश्रम लेना सबसे सही समय है। आज के आधुनिक समय में वानप्रस्थ आश्रम का कोई सही समय बताया नहीं जा सकता, ये इंसान की अंदरूनी प्रकृति के ऊपर है और जीवन के ऊपर है कि वो इस आश्रम से मुक्त होने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में कितना प्यास और लालायित है। तो वानप्रस्थ आश्रम हम कब लें ये अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप संन्यास भी बन सकते हैं जब आपका उम्र 24 साल हो, क्योंकि अगर आप यह सब जानने की आपके अंदर प्यास है, सत्य को जानने की प्यास जितना गहरा है, आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। सल्लेखना की परंपरा या प्रैक्टिस ऑफ सल्लेखना, अगर आप जीना चाहते हैं तो आप तीन तरह से जी सकते हैं, रोगी, भोगी और योगी के रूप में, पर अगर आप मरना चाहते हैं तो आप केवल रोगी या योगी बनकर मृत्यु के पार जा सकते हैं, भोगी होकर नहीं। तो सतगुरु जी बोल रहे हैं कि जब हम मरते हैं तो या तो रोगी के रूप में मर सकते हैं कष्ट पाकर, जब शरीर बूढ़ा हो गया हो या फिर उसको कुछ रोग हुआ हो, या फिर योगी बनकर, तब हमको
जब हम मर रहे हैं तब भोग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पहले भारत में लोग योगी बनकर मरना चाहते थे, पर आजकल ज्यादातर लोग रोगी होकर मर रहे हैं। इसका एक कारण औद्योगिक की व्यापार है, जो दवा की खरीद बिक्री व्यापार से चलता रहता है। यूएस में अंत के 30 दिन में इन अस्पताल में लोगों को जीवन गुजारना पड़ता है। ये प्रक्रिया अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को जबरदस्ती तड़पने की एक प्रक्रिया है, जब ये मालूम है कि जीवन बच नहीं सकता। तो पहले लोग योगी होकर मरते थे, पर आजकल रोगी होकर मर रहे हैं, जो कि पाश्चात्य सभ्यता है। और दवा का खरीद बिक्री इतना होता है कि लोगों के पास पैसा होता है, तो पहले तो वो रोग को बुलाते हैं, ये वो करके, फिर उसी रोग के लिए पैसा फिर से खर्च करते हैं। और आजकल सब दवा ही खाने लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो फटाक से दवा खाने लग जाते हैं। तो ये दवा का व्यापार है, उसका ऐसे ही किया गया है। आप डॉक्टर लोगों को पूछ सकते हैं, उनको एक रूल रेगुलेशन होता है, उससे बाहर वो जा नहीं सकते हैं। और ड्रग होता है, दवा भी एक तरह का केमिकल होता है, ड्रग होता है, जो कि शरीर में जाके एक तरह से शरीर को बनाता है। पर हमेशा दवा खाना खराब है। और जब बुढ़ापे में आप शरीर मर रहा है, तब अस्पताल में 30 दिन जाकर पड़े रहना दवा खाते खाते उसका कोई मतलब नहीं है, और तड़पते रहना है। इससे बेहतर है कि हम 6 महीने पूर्व ही, जब स्वस्थ हैं, जीवन को धीरे धीरे क्षीण करके शरीर छोड़ना चाहिए। लोग जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, वो भी मरते वक्त ये नहीं चाहते हैं कि उनके शरीर में मेडिकल पाइप्स लगे हो, सुई के गड्ढे शरीर पर भरे हुए हो और शरीर सड़ रहा हो। वो मृत्यु से बिना झिझक कर आराम से जाना चाहते हैं, और ये सब दर्दनाक स्थिति से गुजरना नहीं चाहते हैं। ऐसा काम माता पिता के ऊपर लोग करते हैं, पर जब खुद का समय आता है तो वो ये होना नहीं चाहते हैं। तो हम अपने आप जो भी संबंधियां होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, तो उनको हम उनके शरीर में मेडिकल पाइप्स भर देते हैं और सुई के ऊपर सुई गाड़ने लगते हैं, ताकि वो और कुछ दिन जी ले। पर उनको एक तरह से हम दर्द में ढकेल देते हैं। तो ये हम अपने मुंह से करते हैं कि पापा हैं, शायद वो और थोड़ा जी लेंगे, पर ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं है। बस वो दर्दनाक स्थिति से गुजरता है, और जब हमारा खुद का समय ऐसा आता है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हो। भारतीय परंपरा में एक ऐसा तकनीक है, जिसमें लोग जो योग भी नहीं जानते हैं, मृत्यु के लिए अपने आप को समय रहते तैयार कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे 80 साल जीने के बाद मृत्यु का समय आए और कोई स्वस्थ शरीर छोड़ना चाहे, तो वो ये कर सकता है। तो आप चाहें तो आप दिन में 2 भोजन से 1 भोजन, फिर 1 भोजन से आधा भोजन, इस प्रकार कुछ दिनों के अंतराल में अग्रसर हो सकते हैं। तो अगर आप ये संलेखना करना चाहते हैं, या फिर 80 साल हो गया आपका और अब आप शरीर छोड़ना चाहते हैं, ताकि उस समय में आपको शरीर ना छोड़ना पड़े जब आप चल भी नहीं पा रहे हैं। तो 80 साल हो गया, तो अभी आप 2 भोजन खाते थे, तो 1 भोजन कर लीजिए, फिर 1 भोजन से आधा भोजन कर लीजिए, फिर आधा भोजन से पानी की तरफ चल सकते हैं। वानप्रस्थ में जाने वाले इसको फल से कच्चा पत्ता आहार से शुरू कर, फिर कच्चा पत्ता से सूखा पत्ता का आहार, फिर सूखा पत्ता से पानी, और अंत में पानी भी बंद कर मृत्यु में 3-5 दिन में सोते चले जाते हैं। तो वानप्रस्थ में जो जाते हैं वो फल से शुरू करते हैं, फिर कच्चा पत्ता, फिर सूखा पत्ता, फिर पानी बंद कर 3-4 दिन में शरीर से निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर पूरा शिथिल हो जाता है और प्राण को पकड़ नहीं पाता है। तो वो तड़प के नहीं जाते हैं, पर सचेत होकर जाते हैं एक तरह से। क्या ये आत्महत्या है? नहीं, ये ना तो आत्महत्या है ना ही इच्छा मृत्यु।
ये बस उसके बारे में है कि आपको पता चल गया आप कब मरने वाले हैं और आप उसको चलकर अपने सहमति से उसको स्वीकार किए हैं, मृत्यु को स्वीकार किए हैं। तो जब आप स्वीकार करके मरेंगे तो आपके अंदर डर नहीं होगा और आप आनंद के साथ मरेंगे, एक तरह के साहस के साथ मरेंगे। अगर आप ऐसा ना कर सके, कम से कम अपने भावनाओं को आनंदित, सुखपूर्ण और करुणामय रखना आवश्यक है। और ये भी ना हो पाए तो ज्यादातर अस्पताल की सेवा में ना छोड़ें, ये आपके लिए और पृथ्वी के लिए लाभदायक है। तो सदगुरु जी बोल रहे हैं कि अगर सल्लेखाना या फिर ऐसा मृत्यु ना हो पाए तो आप उसको आनंदित रखकर मरना चाहिए, आनंदित होकर मरना चाहिए। और अगर आनंदित होकर भी नहीं मर पाए तो आप अस्पताल में उसको 30 दिन 40 दिन ऐसा ना छोड़ें, उनको घर ले आए, कुछ दिन घर में रहेंगे और खुली हवा में चार दीवारी में ना होकर, घर के चार दीवारी में ना होकर वो मरेंगे। आज के आधुनिक समय में धनी लोग अपने जीवन बढ़ाने के लिए व्याकुल हैं, जिसमें वो हार्मोन और स्टेम सेल जैसे कितना प्रयोग करके शरीर को खींचते रहते हैं। ये लोग भौतिक शरीर से ऊपर कभी जीवन में सोचे नहीं है। तो जो लोग धनी होते हैं वो इसी शरीर को अपना समझते हैं और इसी शरीर के लिए धन कमाते हैं, और जब धन कमा कर रख लेते हैं तब वो सोचते हैं कि इस शरीर को और बढ़ा लें इसके समय काल को, पर मृत्यु उनको घसीट कर ले जाता है। जब लोगों का सॉफ्टवेयर खत्म हो जाता है पर हार्डवेयर चलता रहता है तो लोग सुखी मुर्दों की जिंदगी जीने लगते हैं। पाश्चात्य देशों में 80-90 सालों के बुढ़ा और बुढ़ी हैं जो अपने स्मृति तो खो दिए हैं पर उनको अपने यौवन से एक चीज याद है कि उनको विपरीत लिंग के इंसान के प्रति आकर्षण आए, क्योंकि 90 सालों में भी संभोग की इच्छा रखना आज के लिए बड़ी चीज माना जाता है, कोई बेकार का पागलपन नहीं। तो ऐसा पाश्चात्य देशों में होता है कि अगर आप 80 साल में भी आपके अंदर संभोग का एक आकर्षण आ रहा है दूसरे विपरीत लिंग के प्रति, तब आप जीवित हैं, तब आप जी रहे हैं, ऐसा लोग मानते हैं। पर यह एक जीवन को देखने का बहुत गलत तरीका है। जो जीवन को नहीं जानते हैं और शरीर को ही सब कुछ समझते हैं तो वो केवल संभोग को ही जानते हैं, क्योंकि उनको संभोग से ही खुशी आती है। ऐसा परिस्थिति इसीलिए आता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कैसे करुणा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करें। जिन लोगों को अपनी इच्छा से करुणा पूर्वक शरीर छोड़ना नहीं आता है वो कुछ साधना करने से उनके अंदर ये अनुभव पैदा होता है कि ये शरीर कब अस्थायी होने वाली है और कब मरने वाला है। नहीं तो आप केवल इस संसार में अपने आप को खोए हुए पाएंगे, जो कि ज्यादातर लोगों की स्थिति है। पुरातन भारत में ऐसे बहुत सारे सामुदायिक सहायता था जिससे लोग अपने शरीर छोड़ने की तैयारी करते थे और समय आने पर छोड़ देते थे। जैन संस्कृति में इसे सल्लेखाना और हिंदू संस्कृति में इसे प्रायो प्रवेश कहते हैं। ऐसे संस्कृति में जब कोई सचेत हो और अपने जाने का समय अनुमान कर लेता है, वो अपने जाने का खुद से निर्णय ले सकते हैं, और ये एक आम बात थी। अगर कोई सचेत ना हो पाए वो आध्यात्मिक मुखिया, परिवार और समाज से पूछकर अपना निर्णय ले सकते थे। तो जैन संस्कृति में इसे सल्लेखाना बोलते हैं और हिंदू परंपरा में प्रायः प्रवेश। इसमें क्या करते हैं कि जब 80-90 साल का कोई हो गया या फिर किसी को लग रहा है कि अभी मुझे मरना चाहिए, वो खुद से निर्णय ले लेता है या फिर अपने आध्यात्मिक मुखिया से पूछता है या फिर परिवार वालों से, समाज वालों से पूछता है और उनसे निर्णय लेता है। इसको संवाद और तर्क से समाधानिक निर्णय लिया जा सकता है। ये प्रक्रिया आध्यात्मिक मुखिया से शुरू करके उसी के द्वारा कई चरणों में संपादित होना चाहिए। थोड़ा भी शंका हो तो उसे उसको बीच में ही रोक देना चाहिए। तो थोड़ा भी शंका हो तो रोक देना चाहिए, क्योंकि शंका मतलब आप मरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और सभी को मृत्यु में जाना है। इसलिए मृत्यु के बारे में बातें करना, समझना और एक दूसरे को आलोकित करना हम सबको बहुत जरूरी होता है। ये एक भारतीय
अरेंज्ड मैरिज जैसा है जिसमें सबका भागीदारी होता है। तो क्योंकि सभी का मृत्यु होना है, सभी को इसके बारे में खुलकर बात करना चाहिए कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, तभी हमारे अंदर एक समझ आता है। 55 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को अपनी राजगद्दी देकर जैन मुनि चंद्रभानु के शरण में चले गए और कर्नाटक के श्रावण वेलागोला में अपने जीवन को सल्लेखाने के माध्यम से छोड़ दिए हैं। ऐसे आचार्य विनोबा भावे भी किए थे। तो विनोबा भावे और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे जो राजा थे और विनोबा भावे थे समाज सुधारक, तो वो लोग ऐसे ही सल्लेखाने के माध्यम से अपने शरीर छोड़े हैं। सल्लेखाने में क्या करते हैं कि आप खाना पीना कम कर देते हैं धीरे धीरे और प्राण खुद से धीरे धीरे निकल जाता है। जीवन जीने के लिए सबसे बड़े की कामना, सबके लिए करुणा और अपने लिए वैराग्य होना जरूरी है। वैसे ही अच्छी मृत्यु के लिए हमें अपने मृत्यु के प्रति वैराग्य होना चाहिए। तो जीवन जीने के लिए हमें सबसे बड़ा कामना परमात्मा की कामना है, वो कामना करना चाहिए। सबसे बड़ा सबके लिए करुणा होना चाहिए हमारे अंदर और अपने लिए वैराग्य होना चाहिए। और अगर आप अच्छा मृत्यु मरना चाहते हैं तो मृत्यु के लिए भी एक तरह का इस तरह का वैराग्य होना चाहिए कि आप किस तरह से मरे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काशी में मृत्यु का महत्व, द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइंग इन काशी। काशी को छोड़ के ऐसा दूसरा कोई शहर नहीं है जो मृत्यु से सबसे ज्यादा जुड़ा हो। ये कम से कम 12,000 साल पुराना होने का प्रमाण है, पर यह उससे भी ज्यादा पुराना है। हजारों सालों से काशी हमेशा भारत का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। तब भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो काशी जैसे जगह को कोई भी कारण से कभी जाना नहीं चाहा होगा। तो जीवन में हर कोई ऐसा होता था कि जीवन में एक बार काशी में जाना चाहता था। काशी में मरने की चाह ने बहुत लोगों को खींच लाया था, पर मरने के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ है। काशी जीवन और मृत्यु दोनों का उत्सव है। हजारों सालों से लोगों का यहाँ जमा होने का कारण यह एक बहु सांस्कृतिक स्थान बना हुआ है और आध्यात्म का एक छोटा आकाशगंगा है। तो ये एक अपने आप में एक आध्यात्मिक संपूर्ण केंद्र है। तो काशी में सब कोई जाना चाहता है क्योंकि काशी अध्यात्म के लिए ही बना हुआ था और मृत्यु के लिए ही बना हुआ था। काशी जैसा दूसरा शहर भी बनाए गए हैं, पर काशी की भव्यता और सुंदरता दूसरों से परे था। अध्यात्म में सबसे महान जगह काशी था, जहाँ हजारों ऋषि मुनि और द्रष्टा गुरु रहते थे। यहाँ बाहर और पूरे देश भर से लोग आकर एकत्रित होते थे। ये देश का कला और संस्कृति का केंद्र था और लोग ये सब सीखने और ज्ञान पाने ही यहाँ आते थे। बोला जाता है कि यहाँ शिव भी खुद रुक गए थे और ऐसे बहुत कवि, दार्शनिक, लेखक और ऋषि आदि जीवन के कोई ना कोई चरण में काशी से होकर गुजरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवन में काशी ने सभी को प्रभावित किया है और मुख्यतः आध्यात्मिक पथ पर काशी का बहुत महत्व है, क्योंकि मृत्यु के साथ काशी का जुड़ाव बहुत ही ज्यादा है और मृत्यु सत्य को जानने का, जीवन के सत्य को जानने का एक बहुत बड़ा अहम चीज है। लोग काशी इसलिए नहीं जाते हैं जब वो मृत्यु शैया पर हो, परंतु वो अपने जीवन का अंतिम 15 से 20 साल काशी में गुजर कर मृत्यु से गुजरते थे, क्योंकि ये एक शानदार शहर था। लोगों की व्यापारिक जीवन के कारण आज ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी जीवन के अंतिम समय में लोग मृत्यु के शहर काशी अब भी जाना चाहते हैं। तो लोग काशी में जाकर केवल मृत्यु के लिए वहां नहीं जाना चाहते थे। पहले लोग वहां पे 15-20 साल पहले जाके, अगर हम 80 साल में मरते हैं तो 60 साल में लोग चले जाते थे, 15-20 साल वहां जीते थे,
फिर मरते थे, क्योंकि काशी बहुत भव्य शहर था। काशी का शहर एक वृत्ताकार चक्र से घिरा हुआ था, जिसे पांच क्रोशी रास्ता बोला जाता है। ये करीब 84 किलोमीटर लंबा है। तो ये एक तरह का यंत्र है, और ये एक तरह से तंत्र से तकनीकी से बनाया गया है। लोग पहले सोचते थे कश्यप मरणम मुक्ति, यानी इस पंच क्रोश के अंदर मरने वाले को मुक्ति मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसा हो, किसी भी तरह से काम किया हो। तो ये पंच क्रोश के अंदर कोई मरता है जो कि 84 किलोमीटर वृत्त है, सर्कल है, तो उसको मुक्ति होता है। इसको सही दिशा देने के लिए शिव खुद काल भैरव का रूप लेकर व्यक्ति के मुक्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं। काल भैरव का मतलब काल यानी समय या अंधकार का सृष्टि भरण पोषण और संहार करने वाला है। तो काल भैरव मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, काल का विनाश करने वाला। तो काशी में शिव काल भैरव रूप से हैं, और जो उस पंचक्रोशी रास्ता होता है, जो वृत्त होता है, उसके अंदर मरता है, जो भी यंत्र है उसके अंदर मरता है, तो शिव उसको काल भैरव के रूप में एक मंत्र देते हैं। समय या काल में सारा भौतिकता सृष्टि होता है, और संहार या विलीन भी होता है, और उसी काल को संहार करने वाला काल भैरव है। अगर आपको समय ही खत्म हो गया, आपके लिए सब खत्म हो गया। काल भैरव बस यही करता है कि आपके लिए सब खत्म कर देता है, आपको विलीन कर देता है। बोला जाता है कि यहाँ मरने वाले को शिव तारक मंत्र और यातना शरीर देते हैं, जब भौतिक शरीर मिट जाता है। यहाँ यम और उसके गण प्रवेश नहीं कर सकते हैं, पर यातना शरीर में 42 गुना ज्यादा यातना मिलने के बाद जीव मुक्त हो जाता है। यह यातना इतना तीक्ष्ण होता है कि कुछ ही पल में सब खत्म हो जाता है। तो आप उस यंत्र के अंदर 84 किलोमीटर वाला वृत्त के अंदर आप मरेंगे, तो शिव आपको एक तारक मंत्र देते हैं, ऐसा बोला जाता है, और एक यातना शरीर देते हैं। तो आपका जितना भी कर्म होता है, उस कर्म के हिसाब से आपको यातना मिलता है, और बहुत कम क्षण में आपको 42 गुना ज्यादा यातना मिलता है। तो अगर आप अपने सारे कर्म का फल भुगत लेते हैं, तब आप मुक्त हो जाते हैं। परंपरागत इसी को भैरवी यातना कहा जाता है। ये यातना शरीर के सहने के परे है, पर काल भैरव वो यातना यही आपको अनुभव कराते हैं, यातना शरीर देकर कराते हैं, ताकि मरने के समय आपको बहुत जन्म के कर्म दुख सुख एक ही क्षण में खत्म हो जाए। अगर आपको पीड़ा खत्म करना हो, वो सबसे तीव्र होना चाहिए। कर्म जितना तीव्र से जलेगा, मुक्ति उतना जल्दी प्राप्त हो सकती है। अगर काल भैरव ऐसा तीव्र यातना की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि इसके बाद आपके पुराने कर्म की छाप कुछ नहीं बचती है। सदगुरु बोले हुए हैं कि अध्यात्म से तात्पर्य आपके जीवन को जल्दी से आगे बढ़ाना है, इसलिए जो सुख दुख 10 साल में होने वाला हो, वो 1 महीने में हो जाता है। इसलिए 10 साल की यातना भी 1 महीने में तीव्र महसूस हो सकता है। तो सदगुरु जी बोल रहे हैं कि 10 साल में जो भी आपको सुख दुख मिलने वाला हो, तो अध्यात्म के रास्ते पर अगर चलेंगे, तो वो 1 महीने में भी आपको हो सकता है, और अगर 10 साल का यातना आपको 1 महीने में मिले, तो वो तीव्र ही लगेगा। ऐसा काशी या दूसरे प्रतिष्ठित यांत्रिक स्थल पर हो सकता है। एक तरह से सदगुरु किसी को दीक्षा देते हैं, तो वो उसको भैरवी यातना से गुजरने देते हैं। अगर वो इसे और तीव्र करना चाहे, तो उसे किया जा सकता है। तो अगर आप उसको और तीव्र करेंगे, तो आपका मुक्ति और जल्दी हो सकता है। यंत्र प्रतिष्ठित स्थानों से मतलब इतना है कि वहाँ जीवन तीव्र रूप से हो रहा है, वहाँ यात्रा 42 गुना बढ़ा हुआ है, ज्यादा है से मतलब जीवन भी वहां 42 गुना तीव्र रूप से हो रहा है। अतः आप कर्म रूपी बंधन को 42 गुना ज्यादा जलाते हैं, तो आपका कर्म का बंधन 42 गुना
तीव्र गति से खत्म होता है। कुछ दिन इस यात्रा में रहने के बाद और इससे परिचित होने के बाद तड़प नहीं होती, केवल ईंधन जलती रहती है खत्म होने तक। काशी में मरने का पूरा आशय अपने कर्म के बंधन को पूरी तरह खत्म करना है और कुछ नहीं। तो अगर आप कर्म के बंधन को खत्म करना चाहते हैं तो जितना भी आध्यात्मिक प्रक्रिया या फिर काशी जाने का जो भी परंपरा वगैरह है वो सब इसी के लिए है, कर्म को खत्म करना और मुक्त हो जाना। काशी जैसा प्रतिष्ठित यंत्र और भी है जैसे ध्यान लिंग, पर ध्यान लिंग छोटा जगह है, काशी में ज्यादा लोग रह सकते हैं। ऐसे जगह में जीवन और मृत्यु दोनों अच्छी तरह से होता है। मुक्ति अगर नहीं भी मिला, मुक्ति के तरफ एक सही दिशा में कदम जरूर आगे ले जाता है। काशी में क्योंकि पहले बहुत आध्यात्मिक लोग थे, हर रास्तों और घाट पर थे, लोगों को उनसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलना एक सहज उपाय था। तो काशी में बहुत सारे आत्मज्ञानी रहते थे, इसलिए काशी में लोग चले जाते थे अपने मरने के समय में, और अंतिम समय में जब उनसे मिलते थे और जलते हुए शरीर को मणिकर्णिका घाट जैसे घाट में देखते थे, तो उनके अंदर एक नश्वरता का भाव आता था और जीवन को वो जानने की कोशिश करते थे। काशी में जलते हुए शरीर की घाट में भरमार है, क्योंकि बाहर से भी लोग काशी में श्रद्धा करने आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे कोई काशी में जी ना पाए या मर ना पाए, तो कम से कम उसके अस्थि का विसर्जन और अंतिम संस्कार काशी के गंगा में करने से मुक्ति की तरफ जाने वाले लोगों में एक विश्वास है। मूलतः काशी जाने से आप जीवन को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन में मन और शरीर से ऊपर जाने का एक भाव उदय होता है। तो इसमें सदगुरु बोल रहे हैं कि अगर आप काशी जाते हैं तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक भाव का उदय होता है और सत्य को जानने का एक बीज अंकुरित होने लगता है, तो वही सबसे बड़ी चीज होता है। तो अध्याय 6 यहाँ पे खत्म होता है। अगले में अध्याय 7 को मैं बताऊंगा, इसका शीर्षक है असिस्टेंस फॉर द डाइंग, मरने वालों को सहायता। मुझे सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। आपके अंदर जो परमात्मा है मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।